हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स आर्युष। एक और संडे और एक और वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आकाश के मॉड्यूल्स के बारे में कि कितनी हेल्प उन्होंने मेरी करी नीट क्लियर करने में। सभी के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और यहाँ पे गाइस, इसी के साथ इस वीडियो में हम आगे बढ़ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे को बताओ कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपका प्यार जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो बताओ आपको किस तरह की वीडियोज चाहिए, मैं वैसी ही वीडियोज आपके तरफ लेकर आता रहूंगा। तो इसी के साथ बढ़ चलते हैं आगे आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स के अंदर थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, तो थ्योरी को आप निग्लेक्ट कर दो, क्योंकि बुक्स की जहां तक आप बात करते हो, आप कोई भी बुक ले लो, मार्केट की बेस्ट सेलर बुक ले लो, तो वहां पे थ्योरी जो है ना वो मतलब उतने अच्छे से दी तो होती है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आती है। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी थ्योरी आप पढ़ के नहीं सीख सकते हो, आपको लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, तो थ्योरी वाले पार्ट को आप रहने दो एक साइड पे। आपको जो है थ्योरी चाहे जितनी भी अच्छी किसी में दी हो, आपको उतने अच्छे से वो आप उसको नहीं समझ सकते, आपको लेक्चर ही देखने पड़ते हैं। थ्योरी वाले पार्ट की मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो आकाश का मॉड्यूल होता था जब मैं पढ़ता था, वहां पे दो लेवल्स होते थे, लेवल वन और लेवल टू। लेवल वन के अंदर एक सेट टू होता था, सेट ए जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होता था, और सेट बी सेट टू होता था, तो उसके अंदर क्वेश्चन दिए होते थे, वो मैंने प्रैक्टिस किए थे। और लेवल टू जो था उससे मैंने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किए थे। तो यहाँ पे ये दो चीजें मैंने प्रैक्टिस की थी, सेट टू फ्रॉम लेवल वन और सेक्शन बी फ्रॉम लेवल टू। सेक्शन ए लेवल टू की मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि उसमें काफी हाई लेवल के क्वेश्चन होते थे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप भी फिजिक्स में स्टार्ट ही करो, एक बिगिनर हो, तो आप भी फिलहाल उन क्वेश्चन को मत छेड़ो। फिलहाल ये वाले जो क्वेश्चन है ये अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके अंदर मास्टरी हासिल करो, उसके बाद हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन की तरफ जाइएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है फिलहाल इन दो सेक्शंस को किया था, सेक्शन बी फ्रॉम लेवल टू और सेट टू फ्रॉम लेवल वन। तो इससे जो है मेरे 111 का स्कोर आया था, और बीच में सिली मिस्टेक्स भी थी, तो लेकिन 120 प्लस आप कह सकते हो कि इतना करने से आपका हो जाएगा। तो आकाश का जो मॉड्यूल है वो जितना मैंने उसे यूज किया, 120 प्लस मेरे आराम से आ गए फिजिक्स में। तो फिजिक्स का जो मॉड्यूल था वो मेरे लिए यूजफुल था। और अगर आप हायर एम कर रहे हो 140 160, तो उसके लिए मुझे नहीं पता कि वो लेवल टू जो है उसकी जो सेक्शन ए है वही रिकमेंड करते थे टीचर जब आप हायर स्कोर की तरफ जाते थे। लेकिन क्योंकि मैंने उसे पर्सनली प्रैक्टिस नहीं किया, तो उसके बारे में उतना आपको नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर आप 120 तक एम कर रहे हो, तो आकाश के मॉड्यूल्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। थ्योरी पार्ट आपको कहीं से देखना पड़ेगा, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेट टू और उसके अंदर प्रीवियस ईयर दिए होते थे वो काफी है आपके लिए, अगर आप 120 के अराउंड एम कर रहे हो। 140 160 के लिए भी सफिशियंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बाकी रिव्यूज चेक कर लो। अगर आप 120 तक एम कर रहे हो, तो आकाश के मॉड्यूल्स काफी यूजफुल हैं। बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री जैसा कि आपको पता है, तीन पोर्शंस में डिवाइड होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिजिकल जो है ना वो सेम फिजिक्स वाला सेम कॉपी कर लो आप यहीं पे, कि मतलब थ्योरी जो है वो आपको समझनी पड़ेगी लेक्चर देख के, और बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो ही मैंने किया था सेट टू और लेवल टू का सेक्शन बी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेवल टू की सेक्शन ए बीच में की थी फिजिक्स की, तो बिल्कुल नहीं की थी इसकी, फिर भी की थी फिजिकल केमिस्ट्री की, तो वो आप कर सकते हो। और मैं यही कहूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में सेम जैसा फिजिक्स के लिए यूजफुल थे मेरे लिए मॉड्यूल, इसमें भी थे। केमिस्ट्री में मेरा जो स्कोर था वो 141 था, तो 140 के अराउंड अगर आप एम कर रहे हो, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें आपके लिए मॉड्यूल जो है वो काफी यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री करना चाहते हो, तो आकाश के मॉड्यूल के साथ आप जा सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की ना, तो देखो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है वो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड आती है, मतलब कहीं से बाहर से कुछ नहीं आता। और जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर एनसीईआरटी का सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके अंदर काफी एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप मॉड्यूल के साथ मत जाओ, आप यहां पे जो एनसीईआरटी है पहले उसको पढ़ो। अगर आप एनसीईआरटी पूरी रट लेते हो, पूरी अच्छे से रट लेते हो, आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कर रहे हो वो आपकी काफी अच्छे से हो रही है, तो फिर उसके बाद अगर आप और एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हो या बोर्ड्स के लिए कुछ पढ़ना चाहते हो, तो आप एक बार मॉड्यूल जो है वो रेफर कर सकते हो। लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, थ्योरी के लिए, मैं यही कहूंगा कि आप जो है एनसीईआरटी पे ही फोकस रहो। मॉड्यूल में उतने ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। जब आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो और आपको काफी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जाननी है, तभी
आप मॉड्यूल के साथ जाओ, तो थ्योरी के लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मॉड्यूल में रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी जहां तक बात रही क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो उसमें प्रीवियस ईयर दिए ही होते हैं मॉड्यूल में, वो काफी एक प्लस पॉइंट है आकाश के मॉड्यूल का कि प्रीवियस ईयर उसमें साथ में दिए होते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल चेक कर सकते हो। तो थ्योरी के लिए मेरी ना है, और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो आप जरूर कर सकते हो, लेकिन उसमें मैं वही कहूंगा कि प्रीवियस ईयर कर लो और बाकी सेट टू भी देख लो, उसमें जो इररिलेवेंट क्वेश्चन बीच बीच में होते थे तो उसको मत चेक करो, बाकी खाली एनसीईआरटी पढ़ो और उसके बाद सेट टू जो है वो आप चेकआउट कर लो। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं बायो की। तो बायो में मैं मॉड्यूल बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, मतलब बायो में मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि सिर्फ सिर्फ एनसीईआरटी की तरफ ही जाओ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। तो बायो की थ्योरी में मेरी साफ ना है, मतलब बिल्कुल आपको मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली एनसीईआरटी पढ़ के अपना काम काफी अच्छे से चला सकते हो, 340 प्लस तक आप जा सकते हो और आराम से बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। तो बाकी यहाँ पे जहां तक बात है मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो उसमें मैं कहूंगा कि आप किसी और बुक की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर मत चेक करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसा होता है कि 2016-17 से पहले आप देखोगे तो एनसीईआरटी के बाहर से भी काफी कुछ आ जाता था, तो वो क्वेश्चन भी वहां पे होंगे, जबकि प्योरली एनसीईआरटी सही तरह से 2017-18-19 तब से शुरू हुआ है। तो वहां पे आप जो है प्रीवियस ईयर अगर आप खाली 17-18-19 उसके बाद स्टार्ट करोगे तो उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, उतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। और जो आपका सेट टू होता है, मतलब जहां पे थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आए होते हैं, लेवल वन का सेट टू होता है जो आकाश वाले होंगे उनको पता होगा, उनके मॉड्यूल में होता है, तो वो जो है वहां पे भी मॉड्यूल ओरिएंटेड क्वेश्चंस कुछ होते हैं बीच बीच में, वो जो है एनसीईआरटी के बाहर से होते हैं, तो उनको मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। तो क्योंकि मतलब देखो आप छान छान के क्वेश्चन करोगे, उससे अच्छा किसी और बुक की तरफ चले जाओ, वहां पे मतलब आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन और फॉल्टी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बायो के लिए थ्योरी तो मत पढ़ना मॉड्यूल से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो 2017-18 के बाद जो थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर होंगे वहां से कर लो, और बाकी से टू के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर लो, मार्क कर लो कि हाँ ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को बार बार चेक कर लो, तो उससे आपके थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। और बाकी इसके अलावा अगर आपको डिटेल में जानना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आप किन किन सोर्सेज से पढ़ सकते हो, आपके लिए क्या यूजफुल रहेगा क्या यूजफुल नहीं रहेगा, आकाश के मॉड्यूल के बाहर जाना चाहते हो या और जाना चाहते हो, तो मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, फिजिक्स के लिए भी मैंने बनाई है और बायो के लिए भी बनाई है, और अगर आप कहोगे तो मैं केमिस्ट्री के लिए भी बना दूंगा। तो गाइस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, इसके अलावा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल के बाकी कंटेंट को भी चेकआउट कर लो। गाइस इसी के साथ पीस आउट।